Welcome to this video lecture about the different type of DNA or different forms of DNA. सबसे पहले हम देखते हैं कि DNA क्या होता है. DNA होता है वो double helical structure होती है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जो सभी सेल्स में, नॉर्मली सभी सेल्स में और सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन ऑफ वायरस. कुछ एक वायरस, सभी जो वायरस होते हैं उन्हें सभी में डीएनए नहीं प्रेजेंट होता एज ए जेनेटिक मटेरियल. कुछ में आरएनए भी प्रेजेंट होता है. डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और इसमें फॉस्फेट एंड शुगर से इसकी बैकबोन बनी हुई होती है. देन हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए. फर्स्ट वन इज दी एडीएनए, सेकेंड वन इज दी बीडीएनए, थर्ड वन इज दी जेडडीएनए एंड लास्ट वन इज दी सीडीएनए. जो बी डी एन ए है ये हमारे जो नॉर्मली सभी सेल्स में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रेजेंट होता है वो होता है बी डी एन ए. बी डी एन ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रेजेंट होता है सभी सेल्स में, सभी लिविंग सेल्स में. इवन सभी लिविंग सेल्स में बी फॉर्म डी एन ए है वो प्रेजेंट होता है. देन फर्स्ट वन इज द ए डी एन ए. ए डी एन ए होता है जो बी डी एन ए है वो डिस्क्राइब किया था वॉटसन एंड क्रिक ने. तो ये जो सभी फॉर्म्स डी एन ए की जो सभी फॉर्म्स होती है वो रिलेटेड होती हैं, या तो बी फॉर्म डी एन ए होता है उसके नियर अबाउट प्रेजेंट होंगी. कुछ जो नॉर्मल बी फॉर्म डी एन ए उससे वाइडर होंगी, कुछ थिकर होंगी, वही कुछ में बेस पेयर्स के नंबर्स होंगे वो ज़्यादा होगा, कुछ का डायमीटर ज़्यादा होगा. तो ए फॉर्म डीएनए है वो बी फॉर्म डीएनए से वाइडर होता है. एंड थिकर होता है, वाइडर एंड थिकर होता है. देन आता है बी फॉर्म, ए फॉर्म डीएनए है वो राइट हैंडेड होता है ए फॉर्म डीएनए है वो राइट. देन नेक्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ ए फॉर्म डीएनए. डायमीटर वो है 26 एंगस्ट्रॉम. डायमीटर इज 26 एंगस्ट्रॉम एंड पी साइज इज 28 एंगस्ट्रॉम. 28 एंगस्ट्रॉम होती है. देन आती है बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न. देन नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इज 11. देन जो ए फॉर्म डीएनए है वो रेगुलर फॉस्फेट एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बैकबोन से बना हुआ होता है. तो ए फॉर्म डीएनए है वो बना हुआ होता है शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन से. शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन इसमें रेगुलर प्रेजेंट होती है. देन आता है ग्रूव्स. ग्रूव तो डीएनए में दो ग्रूव प्रेजेंट होती है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव. मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव. तो मेजर ग्रूव होती है वो होती है नैरो एंड डीप. मेजर ग्रूव होती है वो होती है नैरो एंड डीप. एंड माइनर ग्रूव होती है वो होती है वाइडर एंड सैलो. तो ये है ए फॉर्म डीएनए. ए फॉर्म डीएनए होता है वो रेगुलर राइट हैंडेड डीएनए. जो हमारा डीएनए राइट हैंडेड रेगुलर डीएनए होता है
वो होता है। देन डायमीटर इज 26 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर इज ये डीएनए का डायमीटर होता है, तो ये होता है इसमें 26 एंगस्ट्रॉम। देन आता है पिच, दैट इज 28। पिच इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेजर एंड वन माइनर ग्रूव्स और वन टर्न और पर टर्न। एक टर्न के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलते हैं पिच साइज, दैट इज द 28 एंगस्ट्रॉम। देन आता है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। ये जो एक टर्न है 28 पिच है, पिच साइज जो 28 आई है, इस पिच साइज में बेस पेयर प्रेजेंट होंगे 11। देन सुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना हुआ होता है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है जो कि नॉर्मल डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। देन होता है मेजर एंड माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव क्या होगी, ये इस डीएनए की मेजर ग्रूव है। जो ग्रूव बड़ी दिखाई देगी हमें देखने से उसे बोलेंगे मेजर ग्रूव, और देन ये है माइनर ग्रूव, ये है मेजर ग्रूव। एंड दिस इज द माइनर ग्रूव। मेजर और माइनर ग्रूव है वो अल्टरनेट प्रेजेंट होती है। ये एक के मेजर ग्रूव हो गई, देन ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है। दिखाई दे रहा है कि मेजर ग्रूव है उसमें डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, वो बड़ी होती है, और माइनर ग्रूव होती है वो छोटी होती है, नैरो एंड डीपर होती है। तो ये हुआ ए फॉर्म डीएनए। देन हम डिस्कस करते हैं बी फॉर्म डीएनए। देन नेक्स्ट वन इज द बी फॉर्म डीएनए। बी फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए है वो सबसे पहले प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज की थी 1953 में, वो था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो भी दिया था वो था बी फॉर्म डीएनए की स्ट्रक्चर थी। तो बी फॉर्म डीएनए होता है वो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होगा एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। देन बी फॉर्म डीएनए होता है उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डायामीटर, डायामीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। देन इज नेक्स्ट वन इज द पिच। पिच साइज इज 34 एंगस्ट्रॉम। पिच इज 34 एंगस्ट्रॉम। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर, नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इज 11। देन बी फॉर्म डीएनए में भी जो बैकबोन बनती है डीएनए की वो सुगर एंड फॉस्फेट से बनी हुई होती है। सुगर एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है। सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है। देन आती है ग्रू। ग्रू तो जो बी फॉर्म डीएनए इसमें भी दो ग्रू प्रेजेंट होती है, मेजर ग्रू एंड माइनर ग्रू। फर्स्ट वन इज दी मेजर ग्रू एंड सेकेंड वन इज दी माइनर ग्रू। मेजर ग्रू होती है वो होती है वाइड एंड डीप, वाइड एंड डीप होती है, और जो माइनर ग्रू होती है वो होती है नैरो एंड सेल, नैरो एंड सेल। नैरो एंड सैलो होती है।
तो हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। बी फॉर्म डीएनए है, वो भी क्या होगा, राइट हैंडेड डीएनए होगा। ये राइट हैंडेड डीएनए है, इसमें क्या है, डायमीटर इज दी 20 एंगस्ट्रोम। तो ये डीएनए का डायमीटर होगा, ये होगा 20 एंगस्ट्रोम। देन आता है पिच इज 34 एंगस्ट्रोम। तो ये हुई डीएनए की पिच, मतलब पर टर्न डिस्टेंस, दैट इज दी 34। देन पिच में बेस पेयर प्रेजेंट होंगे 10, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे पर नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न होंगे 10, 11 नहीं है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। 34 एंगस्ट्रोम में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। देन आता है मेजर एंड माइनर ग्रूव, ये है डीएनए की, ये बी फॉर्म डीएनए की मेजर ग्रूव है जो कि वाइड है और डीप है, वाइड एंड डीप होगी। और माइनर ग्रूव होगी, ये माइनर ग्रूव है, नैरो एंड सैलो, ये नैरो एंड सैलो है। तो ये हुई बी फॉर्म डीएनए की, बी फॉर्म डीएनए। देन हम देखते हैं, देन नेक्स्ट वन इज दी जेड फॉर्म डीएनए, जेड डीएनए। जेड डीएनए है वो जो हमारे बचे हुए जो डीएनए हमने अब तक पढ़े हैं, ए फॉर्म और बी फॉर्म डीएनए, वो दोनों थे राइट हैंडेड, बट जो जेड फॉर्म डीएनए वो होता है लेफ्ट हैंडेड। तो दैट इज दी लेफ्ट हैंडेड, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। देन आता है डायमीटर, डायमीटर, तो डायमीटर होता है वो जेड फॉर्म डीएनए का होता है 15 एंगस्ट्रॉम, 15 एंगस्ट्रोम। देन आता है पिच, पिच होती है जेड फॉर्म डीएनए की, दैट इज दी 45 एंगस्ट्रोम। देन आता है नेक्स्ट वन इज दी नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, दैट इज दी 12 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। देन आता है बैकबोन ऑफ डीएनए, तो हमने जो भी ए फॉर्म बी फॉर्म डीएनए पढ़े उनमें रेगुलर बैकबोन प्रेजेंट होती है, नॉर्मल बैकबोन प्रेजेंट होती है, बट जो जेड फॉर्म डीएनए उसमें इररेगुलर बैकबोन प्रेजेंट होती है, इररेगुलर सीक्वेंसिंग प्रेजेंट होती है सुगर एंड फॉस्फेट की। तो इसमें होगा सुगर एंड फॉस्फेट, प्रेजेंट इरेगुलर, रेगुलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन आते हैं ग्रूव, नेक्स्ट वन इज ग्रूव। तो डीएनए में दो ग्रूव प्रेजेंट होती है, मेजर एंड माइनर ग्रूव, मेजर एंड माइनर। मेजर ग्रूव होती है वो होती है फ्लैट, मेजर ग्रूव होती है वो होती है फ्लैट, और माइनर ग्रूव होती है वो होती है डीप एंड नैरो, डीप एंड नैरो होती है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हमारा डीएनए ऐसे नहीं प्रेजेंट होगा, ये थोड़ा फ्लैट होगा, ये होगा जेड फॉर्म डीएनए। जेड फॉर्म डीएनए में ये है इसकी माइनर ग्रूव,
ये है मेजर ग्रुप, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर ग्रुप, ठीक है। देन आता है डायमीटर, दैट इज द 15 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर होगा इसका, होगा ये है इसका डायमीटर, दैट इज 15 एंगस्ट्रॉम। एंड पिच इज 45, क्योंकि ये थोड़ा फैला हुआ बड़ा हुआ है, तो इसकी जो पिच साइज है वो ज़्यादा होगी, दैट इज ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी 45 एंगस्ट्रॉम। और पैटर्न बेस पेयर प्रेजेंट होंगे 12 बेस, यहाँ पे बेस पेयर के नंबर होंगे वो होंगे 12। तो ये हुआ हमारा जेड फॉर्म डीएनए। देन नेक्स्ट वन इज दी सी डी देन नेक्स्ट वन इज दी सी डीएनए सी डीएनए सी डीएनए है, ये भी राइट हैंडेड होता है, नॉर्मल डीएनए की तरह राइट हैंडेड होता है, डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। देन आता है डायमीटर, तो डायमीटर है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट वन इज दी डायमीटर के बाद आता है पिच, तो पिच होता है 31 एंगस्ट्रॉम। पिच साइज इज 31 एंगस्ट्रॉम, इज 31 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट वन इज दी नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, नंबर ऑफ बेस पर टर्न इज 9.3, इज 9.3, और इसे कभी कभी 9 भी लिखा जाता है। देन आता है बैकबोन, तो सी फॉर्म जो डीएनए है उसकी बैकबोन भी रेगुलर सुगर एंड फॉस्फेट से बनी हुई होती है, सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। तो ये हुआ हमारे चारों टाइप के डीएनए, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म। देन कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं हम, सबसे पहले हमारा है ए डीएनए, फर्स्ट वन इज द ए डीएनए, सेकंड वन इज द बी डीएनए, थर्ड वन इज द जेड डीएनए एंड लास्ट वन इज द सी डी एन ए सी डी एन ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका ट्रेंड कैसे होता है। तो हमारा जो ए फॉर्म डीएनए वो होता है राइट हैंडेड, बी फॉर्म होता है वो भी होता है राइट हैंडेड, बट जो जेड फॉर्म है वो होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। एंड सी फॉर्म डीएनए होता है वो भी होता है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। देन हम देखते हैं कि हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो ए फॉर्म डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ए फॉर्म डबल हेलिकल होता है, बी फॉर्म भी डबल हेलिकल होता है, जेड फॉर्म भी डबल हेलिकल होता है, एंड सी फॉर्म भी डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। देन आता है देन नेक्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ हेलिक्स, डायमीटर ऑफ हेलिक्स।
डायमीटर ऑफ हेलिक्स में सबसे पहले है ए फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म डीएनए का डायमीटर होता है 26 एंगस्ट्रॉम। 26 एंगस्ट्रॉम। देन आता है बी फॉर्म डीएनए। बी फॉर्म डीएनए को होता है 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन इज दी जेड फॉर्म डीएनए में भी जेड फॉर्म डीएनए में होता है 15 एंगस्ट्रॉम। एंड सी फॉर्म डीएनए में होता है 20 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट वन इज दी पिच साइज। पिच तो हमारा सबसे पहले है ए फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म डीएनए की पिच होती है 28 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट वन इज दी बी फॉर्म। बी फॉर्म डीएनए की होती है 34 एंगस्ट्रॉम। देन नेक्स्ट वन इज दी जेड फॉर्म डीएनए। जेड फॉर्म डीएनए की होती है 45 एंगस्ट्रॉम। एंड लास्ट वन इज दी सी डीएनए। सी डीएनए की होती है 31 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न में ए फॉर्म डीएनए में है 11 बेस, बी फॉर्म डीएनए में है 10 बेस, देन जेड फॉर्म डीएनए में है 12 बेस एंड सी फॉर्म डीएनए में है 9.3 बेसेस। देन नेक्स्ट वन इज दी नेक्स्ट वन इज दी बैकबोन। बैकबोन बैकबोन में ए फॉर्म डीएनए में रेगुलर, बी फॉर्म डीएनए की भी रेगुलर होगी, जेड फॉर्म डीएनए में इरेगुलर होगी एंड लास्ट वन इज दी सी डीएनए। सी डीएनए में भी रेगुलर होगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ डीएनए। इनके अलावा भी एक टाइप और कभी-कभी शो किया जाता है, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में दिया हुआ है। एक होता है एच फॉर्म डीएनए। एच फॉर्म डीएनए होता है, सभी में बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। एच फॉर्म डीएनए कहीं कहीं दिया हुआ है एच डीएनए। एच डीएनए होता है उसमें वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ट्रिपल हेलिकल होता स्ट्रक्चर होती है। और एच डीएनए का फंक्शन होता है जीन रेगुलेशन। एच डीएनए का फंक्शन होता है जीन रेगुलेशन। फंक्शन इज जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन इनमें से जो सिर्फ बी डीएनए है, इनमें से जो बी डीएनए है वही प्रेजेंट होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये सभी डीएनए हैं, ए फॉर्म, जेड, सी, एच फॉर्म डीएनए हैं। ये हमारी बॉडी में बनते तो हैं, पर कुछ टाइम तक के लिए ही बनते हैं, या एक शॉर्टर पीरियड में बनते हैं, देन वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं बी फॉर्म डीएनए में। तो ये हुई टाइप्स ऑफ डीएनए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। थैंक यू।